समझ नहीं आई किसको क्या मैं बना। रेफरेंस मतलब कि एड्रेस A1B1C1, इस एड्रेस से रिलेटेड जो टॉपिक है ना वो आज का है। ठीक है, जैसे सबसे पहला एड्रेस है, आप एड्रेस को A1B1 में लिखते हो, A1B1C1 अगर फॉर्मूले में डालना होता है तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पास एड्रेस R1C1 में आता है, मतलब कि तीसरा नंबर रो चौथा नंबर कॉलम, ये आपका क्या आ गया, रो आ गया, ये आपका कॉलन आ गया। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, 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 हेलो सॉरी सर, पता नहीं क्या हुआ, वाईफाई हेलो चली गई थी। ओके, तो अगर मुझे आर और सी दो अलग अलग में आया डेटा और उसको मुझे एक पे बनाना है, मतलब कि मुझे इसको एड्रेस में, मतलब कि तीसरा नंबर रो और चौथा नंबर कॉलम 1 2 3 4, यहाँ D3 एड्रेस बनाना है। तो एड्रेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं एड्रेस का फॉर्मूला, एड्रेस रो नंबर एंड कॉलम नंबर, ये आपका एड्रेस आ जाता है D3। अब इसका यूज क्या है, किस तरीके से यूज करोगे, एक चीज आपको जो है अगली क्लासेज में जब पता चलेगा, जब आप मैच फॉर्मूला पढ़ोगे, इंडेक्स पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे, तो इसका यूज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो D3 को कहीं आप यूज नहीं कर सकते एज ए रेफरेंस, क्योंकि सेल सेल की वैल्यू है, मतलब कि एक टेक्स्ट है। आप चाहोगे मैं इसमें D3, यहाँ पे जो D3 पे लिखा हुआ है डेटा, उसको मैं कहीं पे इसके माध्यम से पिक कर दूं, तो ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आप इसको किसी फॉर्मूले के अंदर में लेते हो, हेलो हेलो, हाँ भाई आवाज वो पता नहीं मेरा नेटवर्क बार बार आ रहा है और जा रहा है, तो बात देख लेते, नहीं तो फिर नेटवर्क चेंज कर दूंगा। तो D3 यहाँ आता है, मैं कह रहा था कि D3 को मैं कहीं पे कॉल नहीं कर सकता, कहीं पे यूज नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि D3 को कहीं यूज करो, तो उसके लिए आपको इनडायरेक्ट फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट। रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल यही थी हमारी बात बीच में। देखिए सर, आपको एड्रेस फॉर्मूला क्या करता है, एड्रेस क्रिएट करता है। अगर आपने रो एंड कॉलम में आपका नंबर में से पहले से अल्फाबेटिक A1 B1 C1 होता है, अगर आपके अल्फाबेटिक है आपका ए इस तरह से, तो उसको एड्रेस में ABCD के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है रो, इसका एड्रेस का, इसमें रो एंड कॉलम हम डालते हैं तो एड्रेस बना के देता है, जैसे कि यहाँ पे इसने बना दिया है। लेकिन इस एड्रेस को हम कहीं किसी फॉर्मूले में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू है, मतलब कि एक्सेल इसको टेक्स्ट मांग रहा है, एज ए रेफरेंस नहीं मानता है। अगर आप चाहते हो कि इसे एज ए रेफरेंस माने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इसको। अभी जब इसका मीनिंग समझिए, करता क्या है, आगे की क्लासेज में बताइए, बताइए सर। सर मेरे तो सर पे से गुजर गया सर। ये D3 कैसे आ गया सर? D3 और C3 का एड्रेस। D3 यहाँ आया ना, एड्रेस से बन के आया है, हमने बोला कि दूसरा नंबर रो, तीसरा नंबर रो एंड चौथा नंबर कॉलम। अभी आप जस्ट इसके अप्लाई के समझिए और इसका वैल्यू समझिए, इसका यूज जो है ना आपको हम अगली क्लास में समझाएंगे। ठीक है ना, अभी समझिए कि अगर आपके पास
एंट्री जो है अगर कोई रो एंड कॉलम में करता है, अगर आपने बोला कि भाई तीसरा नंबर रो एंड पांचवा नंबर कॉलम, नंबर में दे दिया आपको, तो आप एड्रेस कैसे बनाओगे? तो उसके लिए हम एड्रेस यूज करते हैं। एड्रेस यहाँ पे रो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करेंगे, तो जो तीसरा नंबर हो पांचवा नंबर कॉलम का जो गिनती होगा उसका एड्रेस यहाँ पे पिक करके दे देगा। अगर इस एड्रेस की वैल्यू हमें चाहिए तो इसी को हमें इनडायरेक्ट के अंदर में डालना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, E3 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, या E3 में जो भी टाइप करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है अजय जी, हेलो जी आया तुमने सर? जी सर, इसका यूज क्या है? इसका बताया ना आपको, इसका यूज मैं आगे क्लास में बताऊंगा। इसकी इसका यूज सिंगल नहीं है, किसी और फॉर्मूले के साथ मर्ज होता है। अच्छा, तो पहले वो फॉर्मूला तो सीखे हम, जी जी तो उस फॉर्मूले जब सीखेंगे तो इसका यूज करना सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है सर, तो फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें एक नई फॉर्मूला आता है, चलिए नई फॉर्मूला को देखते हैं। अब नई फॉर्मूला हमारे पास इसमें आ रहा है एरिया, एरिया को छोड़ते हैं, एरिया कोई खास नहीं, चूज चूज को पढ़ते हैं। चूज आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको सम फॉर्मूला समझ में भी आएगा। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट लिख रखा है इस तरीके से, तो लास्ट क्लास में जैसे बताया था कि इसमें अगर डे निकालना हो तो हम टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें हम डी 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 तीन बार डाल देते हैं, तो इस तरह से टेक्स्ट में आ जाता है। या दूसरा मैंने बताया था आपको कल कि वीक डे जो हमारा है ना, वीक डे लगाने से क्या होता है कि ये बताता है इसका वीक का कौन सा दिन है, ये हम दिखाते हैं। अब मैं इसको वैल्यू पेस्ट कर देता हूं। अब मान लीजिए कि आपके पास जस्ट वीक डे का नंबर फॉर्मेट में आया है, अगर पास डेट भी नहीं है, अब इसको आपको जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट कर, तीसरा मतलब कि मंडे फ्राइडे मंडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे, मतलब कि यहाँ पे वेनसडे आना चाहिए, यहाँ पे थर्सडे आना चाहिए, यहाँ पे फ्राइडे आना चाहिए, इस तरीके से। तो इस पे हम एक एक करके मैनुअल लिखेंगे, काफी टाइम लगेगा वहां पे। इस केस में हम यहाँ पे इस कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ दैट इक्वल टू 1 तो यहाँ पे आ जाए मंडे, देन अगेन इफ, लेकिन 7-8 इफ लगाना पड़ेगा, वो भी एक लंबी प्रोसेस हो गया। तो इस सबसे बचने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है चूज का, कि मैं यहाँ पे चूज लगाऊंगा और बोलूंगा कि भैया यहाँ पे इंडेक्स नंबर, चूज उन्हीं पर लगाता है जहां पे इनपुट आपका 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है। और फिर यहाँ पे लिखते चले जाओ कि संडे, तो संडे नहीं मंडे चाहते थे ना, मंडे वेनसडे, मंडे का ट्यूजडे होता है, वेनसडे फ्राइडे, क्या मुझे लग रहा है कि फिर से नर्सरी में जाना पड़ेगा? थर्सडे सर, थर्सडे ठीक है। इस तरह से आप एक एक करके इनपुट जो है डालते चले जाओ। ये चेक करता है कि अगर इनपुट क्या है, इनपुट अगर 3 है तो काउंट करता है 1 2 3, इसको शो कर देगा। अगर इनपुट 4 है तो काउंट करता है 1 2 3 4, 4 को शो कर देगा। तो इफ से ये हमारा सुटेबल होता है। समझ आया सर आपको? कोई डाउट सर इसमें, इस फॉर्मूले में? नो सर। ओके आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं।
हेलो हेलो सुन रहा हूँ सर। अब इसलिए जो अगली फॉर्मूला यहाँ पे आती है हमारी, वो अगली फॉर्मूला आती है कॉलन का एंड रो का। रो एंड कॉलम को पढ़ते हैं। रो दो फॉर्मूले होते हैं। रो क्या करता है कि जहां पे लगाओगे वहां का रो नंबर दिखा देता है, या फिर इसके अंदर में जिसका रेफरेंस दीजिएगा उसका रो नंबर बताएगा कि आपने किसका रो रेफरेंस दिया है, उसका रो नंबर दिखा देगा। और सेम कॉलन क्या करता है कि कॉलन अगर लगाते हो तो सेम कॉलन का नंबर दिखाएगा, नहीं तो अगर इसके अंदर में किसी का एड्रेस डाल दिया तो उसका कॉल नंबर दिखाएगा कि 5वां नंबर कॉलन है। तो कॉलन का यूज तो हम वी लुकअप में करते हैं, कल आपको वी लुकअप में से यूज करके दिखाऊंगा। और रो का जो यूज होता है वो तो रो का यूज बहुत सारी जगहों पे, एक लुकअप में होता है और एरे में होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है, या भी सिंपल नॉर्मल भी यूज करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे बार बार सीरियल नंबर लिखना पड़ता है, मान लो कि मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखता हूँ। अब मैं इसमें से बीच में कोई सीरियल को डिलीट करता हूँ तो क्या होता है कि मेरा सीरियल मिसमैच हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा सीरियल जो है वो पूरा का पूरा कंटिन्यूस रहे, जो अगर गायब होना है तो नीचे से कम होता जाए, सीरियल मेरा बिगड़े नहीं। उस केस में यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए रो का। ठीक है, ये सीक्वेंस आ गया। अगर मैं डिलीट करूं यहां से तो सीक्वेंस मिसमैच हुआ नहीं हुआ, मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट करता हूं तो मेरा सीक्वेंस मिसमैच नहीं हुआ। ठीक है सर, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तो हमने रो फॉर्मूला यूज किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मान लो मुझे सीक्वेंस नंबर यहां से स्टार्ट करने, तो यहां पे अगर मैं रो का फॉर्मूला डालूंगा तो क्या होगा? 8 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रो का सिंपल सा है कि जिसमें टाइप कर तो वहीं से स्टार्ट करता है। यहां पे आपका प्रॉब्लम आ गया। इससे बचने के लिए आप सिंपल क्या करो कि सिलेक्ट करके -7 कर दो। ठीक है सर, यहाँ आ गया। इसका यूज हम कर सकते हैं सीक्वेंस नंबर बनाने के, सेल में बनाने के लिए। सेम अगर कॉलम वाइज बनाना चाहते हो सीक्वेंस इस तरीके से, तो आप यहाँ पे कॉलम नंबर दे दीजिए, 2 आया, -1 कर दीजिए, और इसको ही को कॉपी पेस्ट करके आगे आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है सर, अब इसमें एक चीज और करते हैं कि मुझे क्या करना है कि कलरिंग करना है। तो मैं चाहता हूं कि एक कलर रहे, फिर एक कलर ना रहे, फिर अगेन कलर, इस तरह से 1 बाय 1। तो इसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। हमारे पास रो का फॉर्मूला है। रो का फॉर्मूला क्या करता है? रो नंबर निकाल कर देता है। अगर मैं इसी में एक फॉर्मूला लगा दूं इज टेक्स्ट का, सर इज ऑड या इज इवन, तो ट्रू एंड फॉल्स आएगा। तो मैं कंडीशन वर्डिंग दे दूंगा ट्रू, तो कलर करे फॉल्स कलर ना करे, ट्रू कलर करे फॉल्स कलर ना करे, इसका यूज कर सकता हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नहीं, डायरेक्टली हम डालेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू यूज यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे करेंगे इक्वल इज ऑड या इज इवन, इसमें रो का फॉर्मूला डाल दीजिए, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंड जो फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहते हो वो फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं येलो कलर बनना चाहता हूँ, येलो कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंड ओके एंड ओके। अब इसको लेके मैं चारों तरफ अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सेम अगर कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो अगेन जाएंगे न्यू फॉर्मूला यूज फॉर्मूला में, यहां पे इक्वल
यहां पे लिखेंगे कॉलम, और इसके सॉरी इसके अंदर इज इज ऑड होगा ना, इज ऑड, इसके देंगे कॉलन, और फिर इसमें देंगे हम आपको ए एंड ओके, देन अप्लाई कीजिए तो एक एक कॉलम आपका कलर करेगा। तो इस रो एंड कॉलम का कंसेप्ट समझ में आ गया सर आपको? कोई डाउट इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी जो हमारा फॉर्मूला आता है उसको देखते हैं। हाँ, एक होता है कॉलम्स एंड रो। वो एक क्या होता है कि अगर आपने कॉलम लिखा तो कॉलर में आप जो है एक रेंज को सिलेक्ट करते हो तो उसका कॉलर में बताता है, लेकिन अगर वही हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स में हमारे पास जितना कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे बताया है कि आपने इस रेंज में E2 से H2 में कितने कॉलम सिलेक्ट कर रखे हैं। चार कॉलम को सिलेक्ट कर रखे हैं, इसने चार यहाँ पर रिजल्ट दे दिया। अगर आप यहाँ पे सेम रोज की जगह रोज लगाइए तो बताया आपने अपने सिलेक्शन में कितने रोज सेलेक्ट कर रखे हैं, उतने रो आपके यहाँ पे काउंट करके दे देगा। तो आपके कॉलम्स एंड रोज दो फॉर्मूले थे जिसका यूज कर सकते थे आप। ठीक है, कॉलम्स एंड रोज, तो ये सिंगल इन सबों का यूज नहीं है, किसी फॉर्मूले के साथ मर्ज होकर यूज होता है। आप बात करते हैं गेट पीवर्ट डेटा के बारे में, इसके लिए मुझे पीवर्ट लगाना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम पीवर्ट लगाते हैं। इसी करते हैं इंसर्ट कवर टेबल, पीवर्ट में फिर कोई डेटा रखते, अब देखिए अगर मुझे मान लो कि इसमें 10 जोड़ने हैं तो हम इक्वल करके इसको सिलेक्ट करते, जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहां पे गिट पीवर्ट डेटा अपने आप आ जाएगा। मतलब कि गिट पीवर्ट डेटा में पूरा आता है कि अब इसको मैं कहीं भी कॉपी पेस्ट करूंगा तो रिजल्ट यही आएगा, नीचे ड्रैग नहीं होगा। अगर मान लीजिए कविता का है ना, मैं कविता के नीचे डाउन कर देता हूं, मैं मूव कर देता हूं नीचे, मूव एंड में डाल दिया, फिर भी आपका रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। अगर आप सिंगल लिंक करते, जैसे हम सिंगल लिंक करते हैं यहां पे B4 जो कि जो नॉर्मल लिंक होता है, उसमें क्या होता है अगर मैं मैंग को सबसे लास्ट में भेज दिया मूव करके एंड में, तो देखिए चेंज हो गया आपका। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं अगर हमने जो सिलेक्ट किया है कविता यार इसका तो ऊपर नीचे अगर करता है तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली हो जाए, तो उस केस में हमारा गेट पीवर डेटा यूज होता है। गेट पीवर डेटा आपको लगाने का जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ले लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे नेम चाहिए, यहाँ से मैं यहाँ पे डेटा शो करना, क्या मुझे यहाँ पे सम चाहिए, मैं पीवर्ड से लुकअप करना चाहता हूं, तो उस केस में बस क्या कीजिए एक बार क्लिक कीजिए और यहां पे सिलेक्ट कर दीजिए, अपने आप लग क्या आ गया। अब यहां पे देखिए क्या है, क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी का सम है। अब पीवर्ड स्टार्ट किससे है, A3 से है, और ये किसके अकॉर्डिंग ढूंढना है तो नेम के अकॉर्डिंग ढूंढना है, और नेम कौन सा है तो नीरज है, तो नीरज से इसको हटा के इसको सिलेक्ट कर दीजिए, नीरज आ गया। अब इसको ड्रैग कर दीजिए तो बाकी सारा अपने आप लुकअप करके देगा, चाहे ऊपर नीचे आगे पीछे क्यों ना हो।
तो गेट पिवट डेटा इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से यूज होता है, ठीक है सर। तो अपने आप लग जाता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको समझना है तो इस तरह का ऑटोमेशन आप कर सकते हैं आप लुकअप करने के लिए। सर सर अगर पिवट में ऊपर नीचे करें तो वहां चेंज होगा? नहीं यहाँ चेंज नहीं होगा, ये नाम के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, सर अगर पिवट में नाम से लुकअप पिवट में पीवर्ट में क्वांटिटी चेंज कर, हाँ अगर आपने इसको हटा दिया, मान लीजिए मैं क्वांटिटी के जगह मैंने सेल्स डाल दिया, सेल्स डाल दिया और क्वांटिटी को मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे आरएफ आ गया। तो उस केस में आप यहाँ पे जो है ना सेल्स कर दीजिए, अब से हो जाएगा। नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ मैं किसी सेल्स को चेंज करूँ वैल्यू को तो वहाँ चेंज होगा? हाँ यार चेंज होगा, ये तो लुकअप है सर, डेटा लुकअप कर रहा है, इसकी डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है सर। ठीक है, ले अगर सर मुझे क्वेश्चन पूछिए। सर मुझे क्वेश्चन याद आ गया सर, वो इससे नहीं रिलेटेड, लेकिन सर पीवेट में वो जो सर टोटल आता है लाइक जैसे कि आप कुछ लाइक कोई और फील्ड ऐड करें यहाँ पे तो नीचे नीरज के नीचे उसका टोटल आ जाएगा, पुनीत के नीचे उसका टोटल आ जाएगा, उसको सर कैसे हाइड कर दें? राइट क्लिक करके सब टोटल आता है, सब टोटल हटा दीजिए। आप इसकी बात कर रहे हो ना, तो ए तभी आता है, ए जो टोटल आ रहा है ना ये सब टोटल होता है, राइट क्लिक करके देखिए सब टोटल हट जाएगा आपका। अगर नहीं ऐसा लगता है कि आपको अलग अलग से कॉलम में चाहिए तो पावर टेबल ऑप्शन में जाइए, डिस्प्ले पे जाइए, क्लासिकल पावर टेबल लेआउट होता है यहाँ से अलग कर लीजिए, या फिर आप जो है यहीं पे आपका डिजाइन में लेआउट होता है इसमें टेबलर वाला यूज कर लीजिए। इसको हटाना है आपको तो राइट क्लिक कीजिए, इसको हटा दीजिए, रिमूव सम सब तो सब माफ कीजिए, कर्सर से रखना पड़ेगा सब टोटल नेम, कर्सर रखिएगा उसी पर, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि अगर आपके पास एक गिट पेवर डेटा अगर नहीं आ रहा है, मतलब नॉर्मल लिंक आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पिवट टेबल का जो ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन में ही रहा, जनरेट गिट पेवर डेटा आपका अनचेक है। इसको अगर मैं अनचेक कर दूं, अब क्या है? अब नहीं चेक नहीं है, अब मैं यहां पे अगर लिंक करता हूं तो नॉर्मल लिंक होगा, ठीक है। अगर वापस इस पे वापस चेक कर देते हो पीवर्ड पे क्लिक करके तो गेट पीवर्ड डेटा आपको वापस आ जाता है। हेलो, हाँ सर, तो आज क्या बात है सर, एसएमएस जा चुका है आपके मोबाइल पे? जैसे आप लिंक करते हो ना, आप इक्वल दबाया इस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक गेट पीवट डेटा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, अपने आप साफ हमारा लग गया, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। अगर ये चीज तभी आपको होगी जब आपका पिवट टेबल जो आपने लगाया है उसके ऑप्शन में इस पे टिक मार्क होगा, अगर उसको अनटिक कर दे तो फिर आपको मैनुअल गेट पीवट डेटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक करते हैं जनरेट नहीं होगा, ये चीज है, ठीक है, समझ आया सर? जी सर, थैंक यू सर। गेट पिवट डेटा होता है कि पिवट से कोई डेटा लुकअप करना चाहते हो उसके लिए होता है। जैसे देखो मैं नीरज का सेल्स लुकअप करना चाहता हूं, अब नीरज जरूरी नहीं कि यहीं पे होगा, ये कहीं भी हो सकता है, मैं इसको अगर शॉर्ट कर दूं इसको मैं यहां से तो कहीं भी हो सकता है, तो वहां से नीरज का डेटा है ढूंढ के यहाँ पे आपको दे देगा, गिट पिवट डेटा जस्ट लाइक वी लुकअप की तरह होता है, लेकिन इसी पिवट में ही चलता है कि मुझे सेल्स का टोटल चाहिए, हमारा पिवट स्टार्ट A3 से है और नेम के अकॉर्डिंग नीरज चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है ना सर कि पिवट हम जो है डेटा के समरी निकाल डेटा निकालते हैं, तो समराइज जब 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 हम समरी ऑफ द डेटा समरी बनाते हैं डेटा का, तो मुझे पूरा का पूरा पिवट नहीं चाहिए होता, पिवट का कुछ पार्ट चाहिए होता है, तो उस केस में इसका यूज करते हैं। तो हम नहीं, अगर इसका यूज ना करें तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा,
उस केस में हम गेट पिवट डेटा यूज करते हैं, पिवट बैकएंड में लगा रहता है किसी अदर शीट पे, वहां से डेटा यहाँ पे आता है। सर एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे, ओके सर जैसे कि पिवट अभी तो आपने जो डाटा बनाया जैसे रवि हो गया पुनीत हो गया, तो ये सर हर लाइक सिंगल कोई डुप्लीकेशन नहीं है, लेकिन सर नाम नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, तो उसमें फिर ये कैसे काम करेगा अगर जैसे सर दो रवि सर हो सर जाए। सर सर दो रवि हो जाए तो पीवट पे तो एक ही रवि दिखाएगा, पीवट में डुप्लीकेट डेटा आता है। अब्दुल जी हेलो, जी सर ठीक है, समझ गया सर, समझ गया। और कुछ भी क्वेश्चन है गेट पीपल डेटा से या आगे बढ़े? ओके आगे बढ़ते हैं। अगला जो फॉर्मूला है कैटेगरी, उसके बारे में देखते हैं हम। एस लुकअप से लुकअप है, ये आपको मैं कल कराऊंगा। हाइपरलिंक की बात करते हैं, पहले हम हाइपरलिंक नॉर्मल लगाना आपको बताते हैं कि अब कैसे क्या करता है। जैसे कि हम यहां बोले यहां पे कि मुझे यहां पे शीट वन पे जाना है, आप क्या करते हो कि आप इसी के ऊपर हाइपरलिंक और बुकमार्क पे जाते हो और शीट वन पे क्लिक करके ओके कर देते हैं, और क्लिक करते आप सीट वन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इस तरह से आप चाहते हैं कि यार हम बहुत किसी सेल के लिए अलग अलग सीट है, आगे आगे इन फ्यूचर में आपको सीट इंसर्ट भी होते रहते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि सीट वन में लिखूं और यहाँ पे लिखूं क्लिक हियर, क्लिक हियर, और क्लिक हियर पे क्लिक करते ही मेरा डेटा सीट वन पे चला जाए। अगर मैं यहाँ पे सीट टू डालू तो सीट टू पे चला जाए। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि हाइपरलिंक काम कैसे करता है। तो मैंने सीट एक, मान लीजिए सीट वन को एक क्लिक सेलेक्ट किया, तो हमें पता चला कि जो यहाँ पे एड्रेस है वो एड्रेस बेसिकली इस एड्रेस से चलता है, और ये सीट का एड्रेस कुछ इस तरीके से बनता है। तो मैं यहीं पे कंट्रोल करता हूँ प्रेस करके, और सीट का एड्रेस ऑटोमेटेड कर देता हूँ इनवर्टेड कॉमा लगा के इसको कॉन्कैटनेट करके। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसकी सीट नेम भी तो चेंज हो रहा है, बाकी एरिया तो हर जगह सेम है। तो सीट का नेम है इसको डिलीट करके हम इसके जगह पर इसका रेफरेंस ले लेते हैं। तो क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे अगर सीट टू डालू तो मेरा रेंज ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, सीट टू हो गया सीट टू ए वन, सीट थ्री करूँ तो सीट थ्री हो जाता है। तो एक कॉन्कैटनेट के माध्यम से हमने इसे यूज कर लिया। अब हम इस पे हाइपरलिंक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाइपरलिंक में बोलेंगे लिंक लोकेशन ए रहा और मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक हियर, ठीक है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा मैं सीट थ्री पे पहुंचूंगा। यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ सीट, मान लो एट डाल देता हूँ तो मैं सीट एट पे, या सीट फोर डाल देता हूँ तो मैं सीट फोर पे पहुंचूंगा, ठीक है। तो इस तरह का डायनेमिक हाइपरलिंक जो होता है ना उसका यूज आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सीट का ही यूज हो, बहुत सारी जगहों पर इसका यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एग्जाम्पल में olx.in की ही मान लीजिए आप, सबमिट एड, अब यहाँ पे हम सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे मैनुअल सिटी सिलेक्ट करना होता है, स्टेट, मतलब मैंने स्टेट यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपका आता है, आपको मैनुअल सिलेक्ट करना पड़ता है ना, अगर यहीं पे www.delhi.olx कीजिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिल्ली सिलेक्ट हुआ आएगा। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली की जगह पुणे कर दे या नोएडा कर दे, पुणे करते हैं यहाँ पे, तो पुणे करते हैं,
तो यहाँ पे आपको अल्टीमेटली जो है पुणे का, महाराष्ट्र और पुणे सिलेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र एंड पुणे। तो ये लिंक का खेल है। हाँ सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास सिटी का लिस्ट है, जैसे यहाँ पे पुणे है, यहाँ पे आपको नोएडा है, पटना है, कानपुर है, इन सबों का लिंक बनाना चाहता हूं मैं, ताकि ऑटोमेटिक बन जाए। तो इसमें हमारा क्या है कि भाई ए अलग होता है, तो मैंने इसको यहां रख दिया। देन ओएलएक्स डॉट डॉट पीएचपी ए अलग होता है, मैंने यहां रख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, कॉन्कनेट लगाया, इसको सिलेक्ट किया एंड, इसको सिलेक्ट किया एंड देन एंड इसको सिलेक्ट कर दिया। हमने गलत किया सर, गलत किया। हमने पहले एचटीटीपी को सिलेक्ट करना था एंड देन इसको सिलेक्ट करना था एंड देन इसको सिलेक्ट करना था। अब इसमें डॉट नहीं है तो अगर इससे आगे डॉट लगा देंगे तो सबका लिंक ऑटोमेटिक बन के आ गया। अब मैं चाहता हूं इससे हाइपरलिंक भी लग के आ जाए, तो इसको आप हाइपरलिंक फॉर्मूले के अंदर में डाल दीजिए। तो हाइपरलिंक बेसिकली होता क्या है कि जो आप एड्रेस डालोगे उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली लिंक क्रिएट कर देता है। आपको एक एक करके हाइपरलिंक लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे आप मैंने कि हाइपरलिंक फॉर्मूला लगाओगे, देखिए उस तरह से आपको हाइपरलिंक ऑटोमेटिक क्रिएट करता चला जाएगा। ठीक है सर। हाइपरलिंक फॉर्मूला सुन रहे हैं सर? तो हाइपरलिंक फॉर्मूला इसके लिए यूज किया जाता है। हाइपरलिंक फॉर्मूले के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मूला, इसमें देखते हैं क्या आता है। और इंडेक्स का लुकअप वगैरह है, इंडेक्स हाई दिया, मैच ऑफसेट तो आपको कल की क्लास की है, कल की क्लास की। हाँ, ट्रांसपोज लास्ट फॉर्मूला आता है इसका, ट्रांसपोज। चलिए ट्रांसपोज पढ़ते हैं। ट्रांसपोज एक एरे फॉर्मूला है, याद रखिएगा। सर एरे अभी आगे है क्लासेस में, एरे पढ़ाऊंगा मैं आपको, चिंता मत कीजिए। एरे पे आपके पूरी 3-4 क्लासेस सिर्फ एरे की होगी। अब देखिए कि ये आपका डेटा है, तो हम इसको कॉपी करके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो डेटा इस एंगल पर आ जाता है। लेकिन इन दोनों डेटा के बीच में कोई लिंक नहीं रहता है। आप चाहते हैं कि दोनों डेटा के बीच में कोई लिंक रहे, मतलब कि लिंक यहां तक अगर मैं चेंज करता हूं तो ये भी मेरा चेंज होना चाहिए। एक तो डेटा को लिंक करना चाहते हो ट्रांसपोज करके, उस केस में हम यूज करते हैं ट्रांसपोज फॉर्मूला। इक्वल दबाइए, ट्रांसपोज फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए और एंटर मार दीजिए। एरर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एरर आता ही है। अब आपके रो कितने हैं? 2 रो है, तो आप 2 कॉलम सिलेक्ट कीजिए। और कितने कॉलम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो 6 रो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट हो गया हमारा। अच्छा, सिलेक्शन बन जाए उसके बाद आप F2 प्रेस कीजिए। F2 प्रेस करने से क्या होगा कि ये फॉर्मूला इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा और इस तरह से यहाँ लिंक बना दिख जाएगा। उसके बाद इसको परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एरे को रन करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज करना पड़ेगा, याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो आपका लिंक हो गया। अगर मैं यहां पे चेंज करता हूं, यहां पे 100 करता हूं, तो यहां पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं कैसे लगाओगे। आप पहले आप ट्रांसपोज का फॉर्मूला अप्लाई करो, अपने डेटा को सिलेक्ट करके एंटर मार लो, जो भी डेटा आपका। फिर आप देखो कि डेटा मेरा कितने एरिया में आएगा, उतने एरिया को सिलेक्ट कर लो। देन F2 प्रेस करके फॉर्मूले को एक्टिवेट एडिट मोड में ले आओ,
ये फॉर्मूला एडिट मोड में आ गया, देन एक साथ कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबा दो, आपका फॉर्मूला परफॉर्म कर जाएगा। समझ में आया सर? हाँ बिल्कुल। ओके, तो इस तरह से यूज कर सकते हो। अब बारी आती है लुकअप रेफरेंसेस की, तो लुकअप रेफरेंसेस फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ा दिया, बात आती है लुकअप फॉर्मूले की। तो लुकअप फॉर्मूले करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, एक है उस रिकॉर्डिंग को प्लीज देख लीजिएगा, देन कल हम आपको उस पे जो है लुकअप एंड रेफरेंसेस फॉर्मूले पे कवर करेंगे। एक मिनट दीजिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग का लिंक भेजता हूँ। Apply to all और इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसको जरूर देखिएगा, ठीक है सर? मैं एक बार मैं आप लोगों को ये मेल कर दिया हूं, ये रिकॉर्डिंग आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा, ताकि हम आगे कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो आज का लिंक भी आपको मैं भेज देता हूँ सर, अपलोड करके, जैसे अपलोड होता है मैं भेज देता हूँ सर।